प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की दो बहादुर बेटियां अमर जैदी और नाजी लायका जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। एक इस्लामिक स्टेट बन करके उभर करके सामने ज्यादा नहीं 2026 तक आकर खड़ा हो जाएगा। और आप देखिए जो 2022 में जो मैंने एक अपनी प्रक्रिया सामने रखी थी पीएमओ ऑफिस को, आज 2024 में धड़ल्ले से हम देख रहे हैं मुसलमान औरतों का को न्यूड परेड कराया जा रहा है, जहां तहां खींच करके लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जो भी निकल रहा है टीएमसी का नेता वो भरपेट पीट रहा है, औरतों को जलील कर रहा है, हम जैसी औरतों को। यामिन शक्ति साहिबा वो महिला है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होने दिया, बिल्कुल नहीं होने दिया। आप सोचिए कि इनकी डिक्टेटरशिप का की प्रकाष्ठा इतनी दूर तक जा चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी को इतना बदनाम किया जाता है इंडिया अलायंस के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, आसाम में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, त्रिपुरा में भारत जोड़ो यात्रा हो गया, महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं हो पाया क्योंकि ममता बैनर्जी ने गटर में राहुल गांधी के पोस्टर और बैनर फेंकवाए थे और टीएमसी के लड़के गुटखा खा के थूक करके राहुल गांधी के मुंह पर थूक थूक करके वीडियो बनाए थे और यहाँ वायरल हुआ था। और जो हूँ कि बंगाल मुगलिस्तान, ये एक वीडियो है जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपने भी देखा होगा, ये आप ही के प्रदेश से है। उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा की वीडियो, तो ये एक वीडियो है और इसके बाद टीएमसी के जो एमएलए हैं उनका भी एक बयान आया, वो भी हम देखेंगे, उसके बाद फिर चर्चा। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে। तो ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये अफगानिस्तान का नहीं है, ना ये किसी इस्लामिक राष्ट्र का है, ये है भारत के एक राज्य वेस्ट बंगाल का, और जहां पर एक मुस्लिम महिला है और साथ में उसका पति भी है, उसको भीड़ सड़क पर देख रही है पिटते हुए, एक पुरुष उसको डंडे से जोरदार पिटाई कर रहा है। और उसके बाद टीएमसी के एमएलए हमीदुर रहमान का बयान नाजिया आता है, मुझे थोड़ा ऑल दो लोग समझ गए बट फिर भी आप जानकारी के लिए बता दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो के बारे में। कि शरिया लॉ जो लोग मानते हैं वो ये सब कर सकते हैं और शरिया लॉ चलता है तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल मेरा नाजिया आपसे ये है कि वेस्ट बंगाल भारत का एक बड़ा सूबा है और बहुत अहम सूबा है, ममता दीदी जो कि खुद एक महिला है उसकी सीएम है बहुत सालों से और कई सारी टर्म वो लगातार देश में बड़े अहम जो राज्य है वेस्ट बंगाल उस पर करती आ रही हैं, एक महिला के साथ ऐसा होता है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, इनफैक्ट उसका जस्टिफिकेशन उनके पार्टी के जो एमएलए हैं वो करते नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं बेटी बचाओ पढ़ाओ की बात करते हैं, इस तरह से वेस्ट बंगाल में बेटियों के साथ ये सब हो रहा है, आखिर कब तक बैठ कर देखा जाए ये सब, इस्लामिक राष्ट्र बनने का इंतजार किया जाएगा जब आप और हम हमारे साथ भी ये होगा दिल्ली में और सब जगह। देखिए अंबर, मैं तो जब कही हूँ कि बंगाल मुगलिस्तान बन चुका है तो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और हंस दे रहे थे। कई बार तो नेशनल न्यूज डिबेट पर
मुस्लिम प्रीचर और मुस्लिम क्लिरिक जो है वो हंसे हैं मेरे ऊपर, मुगलिस्तान बन गया। मैं पश्चिम बंगाल में रहती हूँ, मुझे पश्चिम बंगाल के की रगों के बारे में मालूम है, सिर्फ गलियों के बारे में नहीं, कूचों के बारे में नहीं, ग्राम के बारे में नहीं, ग्रामीण के बारे में नहीं, अर्बन रूरल एरिया के बारे में नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की रगों के बारे में मालूम है मुझे और बहुत अच्छे से पता है। आज अंबर आप बहुत इज्जत से रह रही हैं दिल्ली में, आप सिर्फ एक बार विजिट कीजिए पश्चिम बंगाल और यहाँ पर अपनी एक स्पीच दे दीजिए। पश्चिम बंगाल से जब आप रिटर्न जाइएगा तो आप तकरीबन 10-12 FIR की एक्यूज्ड हो चुकी रहिएगा, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो संवैधानिक विचारधारा है, वो शरिया विचारधारा नहीं है। तो संवैधानिक विचारधारा वाले लोग यहाँ पर मतलब एक्यूज्ड हो जाते हैं और उनको बना दिया जाता है। उत्तर दिनाजपुर के MLA हमीदुर रहमान का एक न्यूज, एक स्टेटमेंट पहले भी वायरल हुआ था ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 की, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा या समर्थन देगा भारतीय जनता पार्टी को, उनकी उंगलियां काट दी जाएंगी। और ये जो सेंट्रल फोर्स आया हुआ है, ये 2 महीने के लिए आया हुआ है और ये फोर्स चला जाएगा तो पश्चिम बंगाल के वासियों समझ लो कि हम ही रहेंगे और हमारे दीदी की सरकार की पुलिस ही रहेगी। हिपोक्रेसी की इंतहा तब खत्म होती है, हिपोक्रेसी की इंतहा तब प्रकाष्ठा की हदों को पार करती है जब हमारी इस स्टेट की मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं पुलिस मंत्री भी है। हिपोक्रेसी की इंतहा और प्रकाष्ठा के लिमिट तब क्रॉस होते हैं जब सुजर जॉर्डन का बलात्कार होता है और काकुली दस्तीदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहती है कि लड़की क्रिश्चियन थी ना, पैसा ज्यादा मांगी, बेचारा मुसलमान लड़का दे नहीं पाया, इसीलिए रेप का इल्जाम लगा दिया गया है। हिपोक्रेसी की इंतहा सिर्फ पुलिस मंत्री और मुख्यमंत्री राज की सिर्फ इतना नहीं कहीं कि कामदनी के रेप केस तो बेकार ही थे और उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया था जबकि उस वक्त वो हेल्थ मिनिस्टर भी थी, अपने ही कंट्रोल में रखा हुआ था। उसके बाद फिर कालियागंज हाउस खाली की घटना सामने आई और तब उन्होंने कहा कि लड़की प्रेग्नेंट थी, लव अफेयर था, इसलिए ये सब होता रहता है प्यार मोहब्बत में। तब भी हम लोगों को लगा कि शायद अब केंद्र की सरकार को थोड़ा सा एहसास होगा कि ममता बनर्जी के राज में कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत अत्याचारित हो रही हैं और एक जो ₹1,000 का वो एक योजना के तहत लोगों को लक्खी भंडार देती हैं और उस ₹1,000 के तहत उन्होंने पश्चिम बंगाल की महिलाओं की इज्जत, आबरू, मान सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान सब कुछ खरीद लिया है उस ₹1,000 में जो वो कन्याश्री में दे रही है। अब बात आती है कि कुछ दिन पहले ही कोंटाई में एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो मुसलमान महिला थी उसको 2 किलोमीटर से ज्यादा न्यूड परेड कराया गया, फिर उसका गैंग रेप किया गया और फिर उसको मार डाला गया और डेड बॉडी पर जूते की माला पहनाई गई, उसके टांग को चीर करके उसकी वर्जाइना का वीडियो बनाया गया। और ये सब करता कौन है? ये सब तृणमूल कांग्रेस के नेता के लोग करते हैं। अब ये उत्तर दिनाजपुर चोपड़ा के हमीदुर रहमान साहब के बहुत ही राइट हैंड है JCP, तो लोग प्यार मोहब्बत में किए और फिर उनको पकड़ करके मॉब लिंचिंग करवा दिया गया और उनको भर पेट पीटा गया मानो जैसे कि हम भारत में नहीं, हम पाकिस्तान या तालिबान या ईरान या सीरिया में बैठे हुए हैं। अब बात आती है कि 2019 के अगस्त में एक बिल ममता बनर्जी ने पास करवाया था, वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग एक्ट बिल। उस वक्त जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के गवर्नर, महामहिम गवर्नर हुआ करते थे, हमें भी लगा अंबर के बहुत अच्छा हुआ भाई, अब प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग बिल अगर आया है तो कम से कम ये जो मॉब लिंचिंग का बहाना बना करके मासूमों की हत्या की जा रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। पर नहीं, अंबर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की मानसिकता आपको बताऊं और जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है और जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है वो भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर रखूं तो लोगों को समझ में आएगा। इवन भारतीय जनता पार्टी में भी 2-4 ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा भाषी मुसलमान और हिंदू का बहुत डिफ्रेंसिएशन करते हैं आराम से और जिसका परिणाम उनको दिन ब दिन मिल ही रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अब बात आती है
ये तोपसिया कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये मेरे ऊपर प्रैक्टिकली जो मेरे ऊपर बीता है वो मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ के लोगों की मानसिकता कैसी है। कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जावेद अहमद खान एक मुसलमान एमएलए है, मंत्री भी हैं और तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के काफी लाडले मंत्री है और उनका बेटा है फैज अहमद खान। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लड़का आता है यामिन शकील मेरे पास, बोलता है कि वो हेरिटेज लॉ कॉलेज में वो 7th semester या 6th semester में उसने कहा था मैं पढ़ रहा हूँ और आपके यहाँ मैं एज अ जूनियर इंटर्नी में काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत सारे इंटर्नी आते हैं, आप लग जाओ। तो उसने कहा ठीक है। कई बार बहुत सारे मैंने थाना विजिट किया है उसके साथ कई कोर्ट मैंने विजिट किया है, डेबरा घटाल बहुत सारे कोर्ट्स मैंने विजिट किए हैं, कौंटाई। उसके बाद फिर अचानक से उसकी माँ का मेरे पास कॉल आता है कि इसके पास फीस देने को पैसा नहीं, ये आगे अपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है हमारे सारे व्यूअर्स को, ताकि वो कभी भी गाहे बगाहे अगर बंगाल आए तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पर कितने चोर और चिटिंगबाज और मतलब खुफिया दिमाग के लोग रहते हैं। तो यामिन शकील की माँ ने जब मुझे फोन किया कि इसके पास पैसे नहीं है और ये इसको कॉलेज की फीस नहीं दे पा रहा है, इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, मैंने उसको पैसे से मदद किया और कंटिन्यूसली वो हर 6 महीने के बाद अपने सेमेस्टर की फीस के नाम से लाखों रुपए मुझसे ले लिया। उसके बाद उसने, उसकी माँ ने इस बात का विश्वास मुझे दिलाया कि यामिन शकील की माँ ने कि जैसे ही 1 साल पूरा होगा मैं आपको ये पैसा रिटर्न कर दूंगी। अब आपको पता है अंबर, वो माँ ने नंबर मेरा ब्लॉक किया है, बाप ने नंबर मेरा ब्लॉक किया है और बेटा जब मैं उसको मैसेज करके अपने पैसे मांग रही थी तो उसने मुझे कहा कि तुम सोनागाछी में धंधा करने वाली हो। तो मैंने ये भी मान लिया कि ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं वही हूँ, लेकिन एक धंधा करने वाली का पैसा क्यों मार कर बैठ गए हो, वो पैसा रिटर्न कर दो। एक धंधा करने वाली का पैसा मुसलमान मर्द मार कर बैठे तो ये तो बहुत मतलब उसके शान में गुस्ताखी हो जाएगी। अल्टीमेटली आज 1.5 साल गुजर गया, उसने मुझे पैसा रिटर्न नहीं किया। अब मैं दूसरा इंसिडेंट आपको बताती हूँ। एक लड़की जो एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर मीडिया में काम करती थी, सुजाता नाम उसका, तो उसने बहुत रोते धोते वो आई कि मुझे मीडिया वाले पैसा भी नहीं दे रहे और मैं बहुत परेशान हूँ, मैम मेरे को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, काम कर लो यहाँ पर ऑफिस में, मुझे भी फाइल वाइल रखवाने के लिए बहुत जरूरत होती है। लास्ट में मुझे पता चला, जब मैंने उसको निकाला है हाथ पकड़ करके, तब मुझे पता चला कि उसने अपने व्हाट्सएप पे मेरा नाम सेव किया था कि सोनागाछी की डैश, अपने व्हाट्सएप पे उसने मेरा नाम सेव किया था। आप पश्चिम बंगाल में आप किसी की भी मदद कीजिएगा, बदले में आपको गालियां मिलेंगी। आप पश्चिम बंगाल में मुसलमान हैं तो भी आपका न्यूड परेड होगा, आप हिंदू हैं तो भी आपका न्यूड परेड होगा, आप सीबीआई ऑफिसर हैं तो भी आप लॉकअप जाएंगे, आप एनआईए के ऑफिसर हैं तो भी आपके ऊपर रेप के एलिगेशन लगेंगे, आप अगर कोई बहुत बड़े पद पे ब्यूरोक्रेट पे अंबर अगर आप बैठी हुई हैं, या आप द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के की अगर आप जज भी हैं तो भी आपके ऊपर गंदे गंदे आरोप और एलिगेशन लगेंगे, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की एक टीम है और ये टीम मुसलमान मंत्रियों की और मुसलमान नेताओं की है जो उन लोगों को मलाइन करने के लिए वो टीम वर्क करती है, उन लोगों को डिफेम करने के लिए और फंसाने के लिए वो टीम वर्क करती है जो संवैधानिक तरीके से इस स्टेट में काम करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी जी और नाज़िला खान जी का ये पूरा डिस्कशन और ये दमदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा नाज़िया खान जी ने पश्चिम बंगाल के जो हालात है उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और एक एक बात की पोल खोल के रख दी कि ममता राज में पश्चिम बंगाल का जो हाल है वो क्या हो चुका है। पश्चिम बंगाल जो है वो पूरी तरह से मुगलिस्तान बन चुका है, जहां पे शरिया कानून चल रहा है और हम जानते हैं कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल को अगर ठीक करना है, ये पश्चिम बंगाल को अगर संभालना है तो राष्ट्रपति कानून की सख्त जरूरत है। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।